फिल्मों ने ऐसे बदली अमिताभ बच्चन की इमेज बता रही है ऋचा चड्ढा। एक प्रेस ऋचा चड्ढा का मानना है कि इमेज कोई भी एक्टर खुद नहीं बना सकता, बल्कि यह तो फिल्में करते करते बन जाती है। अपने जोनर को बदलना एक्टर के हाथ में नहीं है। जागरण.com से खास बातचीत में एक प्रेस ऋचा चड्ढा ने कहा कि किसी भी एक्टर का इमेज क्रिएशन सिर्फ फिल्मों के जरिए ही होता है। यह इमेज वो खुद नहीं बनाता, बल्कि फिल्में इसमें मदद करती हैं। दरअसल ऋचा अपनी आने वाली फिल्म जिया और जिया को लेकर जानकारी दे रही थी। इस फिल्म में ऋचा ने अपनी इमेज से हटकर एक अंतर्मुखी लड़की का किरदार निभाया है। वहीं इसी फिल्म में कल्कि कोचलिन भी हैं, जो एक चुलबुली और जिंदगी को अपने हिसाब से जीने वाली लड़की की भूमिका में है। एक्टर्स को इमेज या फिर जोनर बदलना कितना आसान है, सवाल का जवाब देते हुए ऋचा ने अमिताभ बच्चन का उदाहरण दिया। ऋचा कहती हैं कि अमिताभ बच्चन की एक समय एंग्री यंग मैन वाली इमेज तब बनी थी जब उन्होंने आनंद जंजीर, अग्निपथ और दीवार जैसी फिल्में की थीं। लेकिन इसके बाद आई अमर अकबर एंथोनी में ऑडियंस ने अमिताभ को कॉमेडी करते हुए भी देखा। इसके बाद डॉन आई, जिसमें अमिताभ सीरियस एक्टिंग और कॉमेडी करते नजर आए। इसलिए एक्टर की इमेज या फिर जोनर को ब्रेक फिल्में ही करती हैं। ऋचा ने आगे कहा कि मैंने फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में काम किया, जिसके बाद मुझे रामलीला फिल्म में काम करने का मौका भी मिला। फुकरे भी की, लेकिन लोगों को आज भी भोली पंजाबन या फिर गैंग्स ऑफ वासेपुर का किरदार ज्यादा याद है, क्योंकि जब भी लोग मिलते हैं तो कहते हैं कि एक बार भोली पंजाबन का डायलॉग बोलकर बता दीजिए। फिल्म जिया और जिया 27 अक्टूबर को सिनेमा घरों में दस्तक देने वाली है।